लेट्स प्ले अ गेम। स्क्रीन पर आपको 9 आइकन्स दिख रहे हो गए, राइट। अभी अपने एक फिंगर को स्टार्ट के ऊपर रखो। ऑफ कोर्स स्क्रीन को टच मत करना, अपने फिंगर को स्टार्ट बटन के ऊपर पॉइंट करो। सो गेम के रूल्स ये है कि आपको जब भी मैं मूव कहूँ तो आपको आपका फिंगर एक बॉक्स लेफ्ट राइट अप या फिर डाउन मूव करना है, लेकिन आप डायगनली मूव नहीं कर सकते। अगर आपने एक बॉक्स ऑलरेडी विजिट किया है तो आप वापस उस बॉक्स के ऊपर आ सकते हो, लेकिन कंस्ट्रेंट सिर्फ एक ही है कि आप डायगनली मूव नहीं कर सकते। सीधे गेम को स्टार्ट करते हैं। अभी मैं कहता हूँ मूव, तो अभी आप डायमंड या फिर ट्रायंगल पर होगे, राइट। अभी मैं स्टार्ट आइकन को हटा देता हूँ तो अभी आप डायमंड या फिर ट्रायंगल को पॉइंट कर रहे होगे। जैसे जैसे मैं मूव कहूँगा वैसे वैसे एक स्टेप आप अपवर्ड्स डाउनवर्ड्स लेफ्ट राइट मूव कर सकते हो, लेकिन याद रखना आप डायगनली मूव नहीं कर सकते। ओके स्टार्ट। मूव 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 मूव। जहाँ पर फिंगर पॉइंट किया है वहीं पर पॉइंट करते रहो। अब मैं प्रेडिक्ट करता हूँ कि आप बिजली पर नहीं थे। ओके मूव मूव मूव। अब मैं प्रेडिक्ट करता हूँ कि आप फ्लावर पर नहीं थे। ओके मूव 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 मूव। अब मैं प्रेडिक्ट करता हूँ कि आप डायमंड पर नहीं हो गए। ओके मूव 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 मूव। अब मैं प्रेडिक्ट करता हूँ कि आप स्नेल पर नहीं थे। ओके मूव 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 मूव। अब मैं प्रेडिक्ट करता हूँ कि आप ट्रायंगल पर नहीं थे। ऑल राइट मूव मूव मूव। अब मैं ये प्रेडिक्ट करता हूँ कि आप दिल पर नहीं थे। ओके अब आखिरी तो बचे है, जहाँ पर पॉइंट कर रहे थे वहाँ पर ही रहो। ओके मूव। तो मैं कप को हटा देता हूँ एंड बैम आप ब्रेन पर हो। ये गेम आप किसी पर भी ट्राई कर सकते हो, इसकी मैंने PDF बना रखी है, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। ओके तो आपने इस वीडियो पर क्लिक किया, थैंक्स फॉर दैट, बट माय क्वेश्चन इज व्हाई? क्या आपने इस वीडियो पर ऐसे रैंडमली क्लिक किया या फिर इट वाज टाइटल एंड थंबनेल जिसकी वजह से आप इन्फ्लुएंस हुए इस वीडियो पर क्लिक करने के लिए, या फिर आप उन लोगों में से हो जो लोग मुझे जानते हैं एंड आउट ऑफ क्यूरियोसिटी इस वीडियो को देख रहे हैं कि ये बंदा यूट्यूब पर क्या कर रहा है। बाय द वे अगर आप चैनल पर नए हो देन आई रियली मेक गुड स्टफ, कंसिडर सब्सक्राइबिंग। वीडियो के स्टार्टिंग में जो आपने गेम खेला बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी गेस कर लिया होगा कि आप कौन सा भी राउट लो यू विल एट द एंड अप विथ ब्रेन। व्हाट इज रैंडम? कॉइन को फ्लिप करना, इज इट रैंडम? कॉइन को अगर हम टॉस करते हैं एंड अगर हम जानते हैं कि कॉइन के इनिशियल कंडीशंस क्या है तो हम उसका फाइनल रिजल्ट प्रेडिक्ट कर सकते हैं, लेकिन ये जितना बोलने में आसान है उतना ही रियलिटी में टफ है। इसके इनिशियल कंडीशंस जानने के लिए हमें बहुत बहुत ज़्यादा प्रिसीजन की ज़रूरत होती है, जैसे कि कॉइन का डायमीटर क्या है, इसकी एज ऑफ थिकनेस क्या है, इसकी डेंसिटी कहाँ है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ है, इस कॉइन के अंदर कोई इम्परफेक्शंस है या फिर नहीं, हम किस एंगल से इसे फ्लिप कर रहे हैं एंड वॉट नॉट। जैसे कि जो कॉइन का हीवी साइड होता है वो लैंड की ओर गिरता है जनरली, इसीलिए अगर इनिशियल कंडीशंस में थोड़े से भी चेंजेस हुए देन वो एट द एंड मैग्नीफाई हो जाते हैं एंड इट कैन ऑल्टर द प्रेडिक्टेड रिजल्ट। अब देखो कुछ केसेस में कॉइन उसके एज पर भी लैंड कर सकता है। सुन तुझे जादू दिखाता हो, देख वाओ। अगर आप सही में फेयर टॉस करना चाहते हो देन उसे हवा में पकड़ लेना, उसे ज़मीन पे मत गिरने दो, नहीं तो फिर वो टंबल करेगा एंड जो रिजल्ट होगा वो बायस होगा। सो अगर आप उसे मिड एयर कैच करते हो देन यू सॉर्ट ऑफ हैव
फेरटॉस। फन फैक्ट, ऐसे रोबोट्स डेवलप हो चुके हैं जो बहुत प्रिसीजन से कॉइन को टॉस करते हैं। अगर हम उसे कहेंगे कि ब्रो हेड्स चाहिए तो वो हेड्स टॉस करेगा। वाओ, जब भी कोई यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करता है तो यूट्यूब उसे यूनिक रैंडम URL जनरेट करके देती है। लेकिन अगर आप गूगल पर इस तरह से सर्च करोगे, यहाँ पर मैं डूड सर्च कर रहा हूँ, तो मुझे वही URL दिख रहा है जिसमें कि ड्यूड ये वर्ड अकर हो रहा है। अब मैं पूप ट्राई करता हूँ, सर्च करता हूँ, तो ये देखो सब पूप वाले लिंक्स मुझे दिख रहा है। एंड अब रोज़ सर्च किया तो देखो सारे रोज़ वाले लिंक्स आ गए। तो ये सारे मीनिंगफुल वर्ड्स जनरेट हुए थे रैंडमली। अब बात करते हैं कि आप कितना रैंडम हो सकते हो। एंटर हाउ रैंडम कैन यू बी। इसमें आपके पास बैलेंस सूडो $1,000 होते हैं। आपको बस रैंडमली लेफ्ट या फिर राइट बटन को दबाना है। सो थ्योरी बिहाइंड इट इज कि हमें लगता है कि हम चॉइसेस रैंडमली कर सकते हैं, लेकिन एक टाइम बाद हम चीज़ों में पैटर्न रिपीट करना शुरू करते हैं। इसका एल्गोरिथम यही प्रेडिक्ट करता है कि आप अगले बार क्या गेस करोगे, लेफ्ट या फिर राइट। इट इज़ सिंपल, अगर आप राइट प्रेस करते हो एंड प्रोग्राम ने लेफ्ट गेस किया तो आप $1 जीत जाते हो। एंड ठीक इसके उल्टा, अगर आप लेफ्ट प्रेस करते हो एंड प्रोग्राम ने लेफ्ट गेस किया तो बैलेंस में से आपके $1 कट जाते हैं। जैसे कि 202 इटरेशंस के बाद प्रोग्राम ने 72% ऑफ द टाइम सही गेस किया, विच इज़ इनसेन। इसे आप भी जाके ट्राई करना एंड इसके रिजल्ट्स मुझे कमेंट में बताओ। चलो एक क्विक गेम खेलते हैं, फटाफट कैलकुलेशंस करना। 5 + 3 = 8, गुड। 9 + 2 = 11, गुड। 10 - 6 = 4, गुड। अभी 5 और 12 में से कोई भी नंबर रैंडमली चूज करो। क्या आपने 7 चूज किया? अगर नहीं तो मोस्ट ऑफ द लोगों ने 6 या फिर 8 चूज़ किया होगा। आपने कौन सा नंबर चूज़ किया था मुझे नीचे कमेंट्स में बताओ। चीटिंग मत करना, बी ऑनेस्ट। देखो, हम जब भी किसी को गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, सॉरी, थैंक यू, वेलकम, वॉट एवर रेगुलरली ग्रीट करते हैं तब हम ज़्यादा नहीं सोचते, डायरेक्टली बोल देते हैं, अनलेस वो हमारी क्रश हो। बट द पॉइंट इज कि हमारा ब्रेन इन सारे वर्ड्स को ऑलरेडी एज इट इज डिफॉल्ट फॉर्म में स्टोर करके रखता है, इनके शॉर्टकट्स बना के रखता है ताकि हमारे ब्रेन के रिसोर्सेज इन इनसिग्निफिकेंट चीज़ों पर वेस्ट ना हो, क्योंकि ब्रेन के पास और भी काम होता है करने को, जैसे कि विजुअल इनपुट को प्रोसेस करना, ऑडियो इनपुट को प्रोसेस करना, मेटाबॉलिज्म को संभालना, हमें जिंदा रखना। एंड दैट इज द रीज़न कि आपने कल दोपहर खाने में क्या खाया था आप याद नहीं रख पाते। बाय द वे, अगर आप आपकी मेमोरी को शार्प करना चाहते हो तो इस वीडियो के एंड में एक वीडियो को लिंक कर दूंगा, उसे जाके चेकआउट करना। अब हम बात करते हैं डिसीजंस की। इमेजिन करो एक स्ट्रेंजर आपके पास आता है एंड आपको चॉकलेट ऑफर करता है, क्या आप उसे लोगे? ऑफ कोर्स नहीं, मम्मी ने सिखाया होगा। लेकिन वॉट इफ वो बंदा गन पॉइंट करता है आपकी तरफ एंड कहता है कि इस चॉकलेट को खाओ नहीं तो वो आपको गोली मारेगा, तब आप क्या करोगे? ऑफ कोर्स चॉकलेट को खाओगे, क्योंकि वही जिंदा रहने के लिए फेवरेबल डिसीजन होगा। तो क्या आपने सही में वो डिसीजन लिया या फिर एक्सटर्नल फैक्टर्स ने आपके डिसीजन को इन्फ्लुएंस किया? सो द पॉइंट इज कि हम जब भी कोई डिसीजंस लेते हैं तो वो एक तरह से हमारे लिए ऑलरेडी किए हुए होते हैं। ऑल्दो हमें लगता है कि हम चूज कर रहे हैं, बट सबकॉन्शियसली हम अंडर इन्फ्लुएंस होते हैं। कहने को तो आप आग में भी कूद सकते हो, लेकिन आप आग में उंगली भी नहीं डालोगे, क्योंकि आपके ब्रेन के अंदर पास्ट एक्सपीरियंसेस स्टोर्ड होते हैं कि ब्रो आगे हाथ टाकला तर चटका लगते हो। एंड अगर आप गलती से गर्म चीज़ को हाथ लगाते हो तो आप फटाक से हाथ को दूर करते हो, एंड गेस वॉट, इस वक्त ब्रेन भी काम नहीं करता। ये सारी चीज़ें रिफ्लेक्स सिस्टम हैंडल करती है, यानी जो टाइम गर्म चीज़ के सिग्नल्स को ब्रेन तक पहुँचने के बाद, उसे प्रोसेस करने के बाद एंड फिर हाथ को दूर करने से पहले ही ये सारी चीज़ें रिफ्लेक्स सिस्टम हैंडल करता है। इनवॉलेंटरली आप हाथ को दूर कर लेते हो। हमें लगता है कि हमारे पास डिसीजन लेने का फ्रीडम है, एंड आई अग्री, काफ़ी हद तक
हमारे पास डिसीजन लेने का फ्रीडम होता है, जैसा कि आपके पास है। आप चाहो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो या फिर नहीं कर सकते, बट प्लीज़ कर देना। बट प्रॉब्लम इज हमारी ह्यूमन साइकोलॉजी, जो कि काफ़ी हद तक प्रेडिक्टेबल है। एंड जो ब्रांड्स कंपनीज होती है उनके अंदर पर्टिकुलर डिपार्टमेंट होता है जो इन सारी चीज़ों को स्टडी कर रहा होता है एंड उनके प्रोडक्ट्स को ह्यूमंस के अकॉर्डिंग ओरिएंट कर रहा होता है। तो अगर आप मैकडी जाते हो एंड वहाँ पर कॉम्बो ऑर्डर करते हो एंड उन सारी चीज़ों की एडिशन करते हो एंड जो कॉम्बो का प्राइस होगा उसमें बेयरली 10-15 रुपयों का फ़र्क होगा। बट द पॉइंट इज कि आपने वो सारी चीज़ें ऑर्डर की है जो आप ऑर्डर भी नहीं करना चाहते हैं। ये बात रही कमर्शियल चीज़ों की, लेकिन पॉलिटिशियंस भी जो अपनी स्पीच होती है वो ह्यूमन साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग ही डिज़ाइन करते हैं एंड ऑफ कोर्स दे डू इन्फ्लुएंस। ये तो हो गई कुछ चीज़ें, बट इट हैपन्स ऑल अराउंड अस, इवन सोशल मीडिया। हमें लगता है कि ये सारी चीज़ें रैंडम है, बट दे हैव ऑलरेडी डिसाइडेड फॉर अस। तो अभी जाके ओवर थिंक मत करना, बस कॉशियस रहना व्हेन यू टेक अ डिसीजन नेक्स्ट टाइम। टिल देन बी फेनोमिनल, पीस आउट।